हेलो गाइस, वेलकम बैक। फिर से देखते हैं एक नया चैप्टर। आज हम बात करेंगे ईदर और नीदर नॉर की। ये बहुत ही कॉमन चैप्टर है, कॉमन सेंटेंसेस हैं जहां पर अक्सर ना जानकारी होने की वजह से कुछ लोगों से गलती हो जाती है। वीडियो उनके लिए है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ईदर और नीदर नॉर का क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये है ईदर, ये है और ये है नीदर और ये है नॉर। या फिर ईदर की जगह कुछ लोग आइदर बोलते हैं, वो भी ठीक है। नीदर की जगह कुछ लोग नाइदर बोलते हैं, वो भी ठीक है। तो ईदर या आइदर और नीदर या नाइदर नॉर। अब सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं क्या होता है। तो ईदर का मतलब होता है या तो, आई रिपीट, ईदर का मतलब या तो, और का मतलब होता है या, आई रिपीट, या, नीदर का मतलब ना तो, आई रिपीट, नीदर का मतलब ना तो, नॉर का मतलब ना या फिर ना ही, आई रिपीट, ना या फिर ना ही। ठीक है, ये हो गई मीनिंग। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देख करके हमें साफ काफी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया कि पहले हम इसकी बात करते हैं, उसके बाद इधर आएंगे। पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आप देख सकते हो, या तो तुम जानते हो या हम। अब यहां पर दो एक सेंटेंस आप देख रहे हो, या तो तुम जानते हो या हम। तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट का, या तो तुम जानते हो या हम, यानी कि प्रेजेंट की बात की जा रही है, जहां पर फॉर्मूला सब्जेक्ट यानी कि पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी कि वी वन। तो देख सकते हो, सबसे पहले हम निकालेंगे या तो या तो निकल गया यहां से, या तो, देख सकते हो। तो इधर आया या तो के लिए, तो यहां हुआ इधर। अब क्या है, तुम जानते हो, जैसा कि मैंने बोला प्रेजेंट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी पर्सन प्लस वी वन। तो इधर या फिर आइदर, यू नो यानी कि तुम जानते हो। अब यहां पर आया या, तो यहां पर या के लिए आप देख सकते हो क्या है, और। तो यहां आया और हम। हम मतलब यहां पर ये भी कहा जा सकता है कि इधर यू नो और वी, या फिर कहा जा सकता है कि इधर यू नो और अस। ये दोनों में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है। तो इधर यू नो और अस, या फिर इधर यू नो और वी। तो ये इधर और का एग्जाम्पल आपने देखा। आई होप काफी आसान था। अब ये नीदर वाला देखते हैं एग्जाम्पल। इसी सेंटेंस को ऐसे कर देते हैं कि ना तो तुम जानते हो ना या फिर ना ही हम। ये हो गया हमारा सेंटेंस, ना तो तुम जानते हो ना ही या फिर ना हम। तो ये भी प्रेजेंट है, इसको भी सेम फॉर्मूले पर रखा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि पर्सन प्लस वी वन। तो अब ये ना तो हमने सबसे पहले पकड़ा, ना तो के लिए क्या है आप देख सकते हो, नीदर। तो नीदर फिर से वही, यू नो यानी कि तुम जानते हो। अब ना या फिर ना ही के लिए देखो आप क्या है, नॉर। तो यहां आ गया नॉर, वी या फिर अस। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इधर का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या, नीदर का मतलब ना तो, नॉर का मतलब ना या फिर ना ही। एग्जाम्पल, ना या तो तुम जानते हो या हम, इसके हिसाब से आंसर निकला इधर यू नो और वी या फिर और अस। यहां हुआ ना तो तुम जानते हो ना ही हम या फिर ना हम। तो नीदर यू नो नॉर अस या फिर नॉर वी। तो ये इधर और नीदर नॉर को लेकर कंफ्यूजन थी, मैंने क्लियर करने की कोशिश की। होप आसान लगा आपको। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।